हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरडी कुकिंग। मैं हूँ पूनम और आज हम बना रहे हैं ये शेज़वान मैगी। एकदम चीज़ी मैगी है और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी, बच्चों की फेवरेट। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है, कलर कितना अच्छा है मैगी का। तो चलिए चलते इसे देखते कैसे बनाया मैंने ये। तो यहाँ मैंने एक पैन में एक बड़ा चम्मच तेल का ले लिया है। इसमें थोड़े से हम डाल देंगे स्लाइस्ड ओनियन, एक ही प्याज स्लाइस किया हुआ। इसे हमें थोड़ा सा पकाना है, ज़्यादा नहीं, जस्ट थोड़ा सा। एकदम फटाफट बन जाती है मैगी और बच्चों को बहुत पसंद आती है। सिंपल मैगी खा के सब बच्चे बोर हो जाते, तो आप इस तरह थोड़ा सा चेंजेस डाल के उसमें आप बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ ये प्याज थोड़ा सा पिंक हो रहा है, ये देखिए थोड़ा सा पिंक हो चुका है। तो जल्दी से हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च जो स्लाइस किया है मैंने, और गाजर जिन्हें मैंने थोड़ा सा बारीक बारीक काटा है। इसको भी जल्दी से मिक्स कर देंगे और जस्ट थोड़ा सा ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है इन्हें हमें। ये देखिए पक चुका है, तो अभी मैं डाल देती हूँ इसमें पानी। मैं यहाँ 3 सेट मैगी के बना रही हूँ जो आते हैं सेट वाइज, तो उसके हिसाब से मैं पानी डाल रही हूँ। तो 3 सेट बना रही हूँ तो मैं डाल रही हूँ 5 कप पानी। ये काफ़ी रहेगा 5 कप पानी इसके लिए। जल्दी से डाल देते हैं पानी इसमें। अब इसमें हम ऐड कर देंगे अपनी मैगी जो कि 3 सेट मैगी का है। तो मैंने छोटा सा ऐसे ब्रेक किया है, जस्ट ज़्यादा ब्रेक नहीं कीजिए, लंबे लंबे बच्चों को पसंद आते तो ज़्यादा उसके टुकड़े मत बना दीजिए। तो ये 3 सेट हो गए मैगी के। अब इसमें ऐड कर देंगे हम लोग मैगी मसाला, जो कि 3 पाउच जो मिलते हैं मैगी के साथ ये वही है। 3 सेट बना रही तो 3 पाउच मैगी के फटाफट से तीनों डाल देंगे। मैंने डाल दी है, थोड़ा सा बॉईल आने लग गया है। तो अब हम ऐड कर देते हैं अपनी जो मेन चीज़ है, हमारी शेज़वान चटनी। हम बना रहे हैं शेज़वान मैगी, तो शेज़वान चटनी तो चाहिए ही चाहिए उसके लिए। तो यहाँ मैं 2 बड़े चम्मच भर के शेज़वान चटनी का डाल रही हूँ। अगर आपके बच्चों को स्पाइसी नहीं पसंद है तो थोड़ा आप 1 चम्मच ही डालिए, क्योंकि शेज़वान चटनी स्पाइसी रहती है। इसको अच्छा सा मिक्स कर देंगे। इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी सोया सॉस 1 चम्मच जितनी। अच्छा कलर आएगा, फ्लेवर भी अच्छा आएगा सोया सॉस से। थोड़ी सी टोमेटो केचप 1 बड़ा चम्मच जितनी। इसको कर देंगे मिक्स। आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है मैगी में, बहुत ही प्यारी लग रही है। ये देखिए फटाफट से हमारी मैगी बन रही है। इसे अभी 1-2 मिनट हमें धीमी आंच पे पकाना है। बहुत अच्छे से सब्जियाँ भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। ये आप देख सकती हो कितनी अच्छी बिल्कुल मैगी हमारी रेडी है। कितना अच्छा कलर आया है, कितनी अच्छी टेस्टी लग रही है। बस लग रहा है अभी ही खा लो इसे जल्दी से, ये एकदम तैयार है। तो इसे चलिए गर्म गर्म ही सर्व करते हैं हम लोग। तो ये मैगी मैंने डाल दी है प्लेट में बच्चों के लिए, और मैंने थोड़ा सा चीज़ की स्लाइस इस पे लगा दी है, क्योंकि ये चीज़ी मैगी बना रहे हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है चीज़ का। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप बहुत सारे वीडियोज़ आप मेरे देख सकें। तो चलिए इसे खाते हैं अभी। ये देखिए कितनी यमी लग रही है, बहुत टेस्टी है चीज़ के साथ। आप भी ज़रूर ट्राई करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।